प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के कथित मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का मकान गिराए जाने के बाद अब इस घटना में आरोपी एएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम के मकान पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अटाला बवाल में नामजद होने के बाद फरारी काट रहे एएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम के भाई सैयद मकसूद अहमद के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यह नोटिस तब जारी किया गया है जब अटाला बवाल के पखवारे भर बाद भी शाह आलम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है और उसकी तलाश में खाक छाननी पड़ रही है। पीडीए की ओर से जारी नोटिस में अवैध निर्माण को लेकर 29 जून को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। करेली के गौसनगर स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है, उसी में शाह आलम रहता है। 14 जून को जारी इस नोटिस को 24 जून को सैयद मकसूद के मकान पर चस्पा किया गया। इस पीडीए के जोन 2 के जोनल अधिकारी अजय कुमार की ओर से नोटिस उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत जारी किया गया है। बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग तक की गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी किए थे। पुलिस ने उपद्रवियों की सूचना देने के लिए नंबर जारी किए थे। पुलिस ने कहा था कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।